जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक छोटी कार हो या बड़ी कार हो, कार एक ड्रीम होती है लोगों की, कार एक और उस ड्रीम को फुलफिल कराने के लिए हम लोग हैं। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन किन्हीं को भी खाली मन होना चाहिए कि गाड़ी मुझे चाहिए, मैं शिव तिवारी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप खाली हाथ आएंगे और गाड़ी ले करके जाएंगे यहाँ से। ये तो आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं बहुत सारे ऐसे कार जो कि बहुत ही कम प्राइस में आप धनबाद में अगर आप रहते हो तो ले सकते हो। तो ये जो है एक शोरूम है जहाँ पे आपको नया और सेकेंड हैंड दोनों तरह का कार आपको अवेलेबल हो जाता है। और जैसा कि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं तो ये हम लोगों को कार के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं, जो मिनिमम रेंज की जो कार होगी वो भी आपको बताने वाले हैं, और साथ में जो है कंडीशंस के साथ साथ जो है पेपर की जो वर्क, जो गाड़ी का जो पेपर वगैरह होता है वो सब ओके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के कार से यहाँ पे जो है अवेलेबल है, किस तरह का जो है मॉडल अवेलेबल है और किस तरह का जो है कंडीशन अवेलेबल है। पे नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी दोनों तरह की गाड़ी आप ले सकते हैं, हमारे पास पूरी सुविधा है, विथ वारंटी के साथ आती है और फाइनेंस की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी को। ये है इस गाड़ी की, सबसे पहले देखिए आपको कंडीशन देखिए, कंडीशन का जो कोई भी कार का जो कंडीशन होता है उसके व्हील से समझ में आता है। देखिए इसका जो व्हील है काफ़ी अभी एकदम लग रहा है कि ब्रांड न्यू भी जो है इसका व्हील है। तो इस तरह से जो है टोटल कार का आपको लोकेशन दिखा देते हैं, तो इस तरह से कुछ कार देख पा रहे होंगे आप। और इस कार की जो है कीमत के बारे में अगर बात करते हैं तो इनके कीमत जो है क्या है सर? ये क्विड की सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है, इस पर आपको गियर नहीं होता है, एक मोड पे गाड़ी चलती है और क्लच भी नहीं होती है। तो इस गाड़ी की खासियत है कि एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के एक लेडी भी आराम से इसको चला पाएंगे और हैसल फ्री ड्राइव होगा। और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, साल में एक बार आपको आना है मेंटेनेंस पे, 4,500 की खर्च होती है, बस गाड़ी आपकी टनाटन। अभी देखिए इस गाड़ी का ओरिजिनल प्राइस जो है न्यू में अगर आप लेते हैं तो 6,00,000 की आती है, लेकिन आपको मैं ये 3,00,000 में अवेलेबल करा दूंगा। और ये मॉडल है 2018 की धनबाद की। 2018 की मॉडल अगर आपको 3,00,000 में मिल रही है तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अंदर का लोकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कहीं भी जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो सीट से आप समझ पा रहे होंगे कि सीट भी बिल्कुल नया दिख रहा है। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ में ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 3,00,000 में मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी कार है, अभी आपको एक एक करके सभी कुछ दिखाने वाले हैं। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे ये जो कार का जो टोटल लुक है, ये 6,00,000 की गाड़ी अगर आपको 3,00,000 में मिल जाती है तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर कम कीमत में अगर आपका बजट और भी कम है तो उसमें भी आपको कार आपको मिल पाएगा। जैसे कि ये कार आप देख पा रहे होंगे, ये टोटल जो है प्राइस इसकी अगर बात की जाए तो ये टोटल जो है आपको प्राइस लगभग इसका 35,000 के आसपास में पड़ पाएगा। तो ये जो है अंदर से कुछ कैसा दिखता है ये भी हम आपको दिखा दें। ये अंदर से लॉक है, फिलहाल इसको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो भी है कार काफ़ी ठीक है, मतलब इस प्राइस में अच्छा है। अगर आप एक बाइक को अगर आप प्रेफर करते हो तो बाइक से तो मच बेटर कार हो सकता है। तो इस कार के बारे में बात करें तो ये 2018 का मॉडल है, मतलब 2 साल पुराना जो है कार आपको 3,00,000 सस्ता में मिल पा रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। अभी ये जो आप 800 देख रहे हैं ये 2004 की गाड़ी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 800, इसमें विथ एसी है, 5-speed गाड़ी है। और इस गाड़ी का खासियत यह है कि आप एसी चला के मात्र 65,000 रुपये में आप इस गाड़ी को कहीं भी ऑल इंडिया घुमा सकते हैं, विथ ऑल पेपर्स, विथ इंश्योर्ड, इंश्योरेंस के साथ है, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी एकदम हर तरफ से आप देखेंगे तो लगेगा कि वन हैंड और बहुत कम यूज होने वाली गाड़ी। ये ओरिजिनल कलर के साथ ही ये कार आपको मिल पाएगा। और ये जो टोटल प्राइस क्या बताया सर? 65,000 के अंदर में जो है एसी के साथ में ये कार है और लॉक किया हुआ है कार को। और इसका अगर बैक साइड से देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपको बैक साइड से दिख पा रहा है गाड़ी। और जो गाड़ी का जो नंबर है वो देख पा रहे होंगे, ये जो है झारखंड का गाड़ी है। और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 65,000 में, मतलब एक बाइक की प्राइस में आपको मिल पाएगी। तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे जो है इस जगह पे जो जिस शोरूम पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह पे नया के साथ साथ सेकेंड हैंड कार का भी डील होता है। तो आजकल जो है
नया लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो है नया अगर आप कार लेते हो तो एक बार लेने के बाद 8 से 10 साल तक तो आपको सोचना ही नहीं है। इसके बारे में जो है नए कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे भाई साहब, और इसके बारे में ये बताएंगे कि नया कार आपके लिए कितना सूटेबल होगा, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नया कार अगर आपको घर ले जाना है तो कितना पेमेंट देने के बाद आप लेके जा सकते हो। देखिए हमारा जो डीलिंग है यहाँ पे, ये तो बेसिकली हम लोग नई कार के लिए ही करते हैं, और हमारा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि हमें पुराना गाड़ी ही बेचना है। नए कार लेने के लिए आते हैं और पुरानी गाड़ी एक्सचेंज होती है, जो अच्छी कंडीशन में गाड़ी होती है वो हमारे पास से आपको मिल सकती है। अभी आपको बता दें कि जैसे कोई नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी के लिए उनका प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा क्या डाउन पेमेंट होगा, कितना फाइनेंस होगा और कितना वो EMI तक दे सकते हैं। हमारे पास पूरा फैसिलिटी है कि आप EMI पे गाड़ी ले जा सकते हैं, विथ वारंटी आपको मिलती है। नई कार की तो कुछ बात ही नहीं है, आप एक बार लेते हैं तो 15 साल का रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है धनबाद से, और ये लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। 15 साल तक आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी ऑल इंडिया में चला सकते हैं, और हर प्राइस की गाड़ी है, छोटी से लेकर बड़ी तक, SUV तक, जैसा आप चाहें। तो मतलब मेरा सवाल जो है, आप लोग का सवाल भी ये भी होता है कि कितना मिनिमम जो है पेमेंट हम करके, मान लीजिए 1 लाख अगर नहीं, मतलब अगर आपके पास इन हैंड बाइक खरीदने का प्राइस जो है पैसा मिनिमम आपको 60,000 लग जाता है, तो क्या हम 60,000 पे करके एक कार को घर लेकर जा सकते हैं? जी हाँ, आप रेनॉल्ट क्विड जो हमारी मॉडल है, सबसे स्टार्टिंग मॉडल हमारी आती है क्विड, जो आपको नीचे सेगमेंट पे है, मतलब छोटी कार अगर आप चाहते हैं तो आप मात्र 60,000 रुपया डाउन पेमेंट दे करके गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं, और ये सुविधा आपको सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ट ही दे सकती है, आप हमारे शोरूम को। तो ये जो है गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि 60,000 पे करने के बाद भी आप एक, मतलब जो जिस प्राइस में आप एक बाइक ले सकते हो उस प्राइस को लेकर के, उस प्राइस में आप एक कार को घर लेकर जा सकते हो। तो आज के रेट में कार कोई बड़ी बात नहीं होती है, और जैसा कि आप तो सब होशियार हो और सब समझ पा रहे होंगे, तो ये जो है टोटल सीन है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कार का जो है बहुत सारा जाखीरा खड़ा हुआ है, और बहुत सारे कार यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि सेकंड हैंड में भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कार यहाँ पे जो है फोर सेल, यहाँ पे आप बैनर भी देख पा रहे होंगे, ये जो है फोर सेल का, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे कार जो कि अगर इस बात करते हैं एक डस्टर की, XUV की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कार है काफ़ी जो है हाई प्रोफाइल कार बोलते हैं इसको ना, और इस कार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे भाई साहब देंगे। देखिए बहुत लोगों का शौक होता है कि SUV पे चढ़े, लेकिन उनका बजट जो है, पॉकेट जो है, अलाउ नहीं कर पाता, तो हमारे पास बहुत ही अच्छी कंडीशन में SUV आपको मिल जाती है, चाहे वो डस्टर हो, इको स्पोर्ट्स हो, यहाँ तक कि स्कॉर्पियो बुलेरो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। इस गाड़ी का अगर बात करूँ तो ये डस्टर का टॉप एंड वेरियंट है RXZ, और इस गाड़ी में आपको डीजल में 18 प्लस माइलेज आपको ऑलवेज मिलता है। 2016 की ये गाड़ी है, मात्र 6.5 लाख पे, और इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 14.5 लाख की आती है। आप एक बार गाड़ी इनको दिखा दीजिए, आप समझ पा रहे होंगे कि 6 लाख्स में 14 लाख की गाड़ी लॉक लगा हुआ। तो साइड से हम आपको दिखा दें इसका जो व्हील, सबसे पहले जो है हम, अगर कोई भी आप कार खरीदने जाओ तो ये आप मेरे तरफ से आपके लिए एक टिप है कि जो भी कार खरीदते हो उसका जो व्हील होता है ना, व्हील से समझ में आ जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्हील चेंज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ओरिजिनल MRF के टायर है और चारों टायर एक ही है, इसका मतलब है कि सभी जो है ओरिजिनल व्हील है इसमें लगा हुआ। तो टोटल जो है कार का मॉडल कुछ इस तरह से, एक भी स्क्रैच गाड़ी पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और इस गाड़ी का जो है बैक साइड से अगर देखा जाए तो बैक साइड से कुछ इस तरह से कार दिखेगा आपको, और गार्ड के साथ लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, बैक साइड से सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। अगर इस तरफ से बात करते हैं तो देख सकते हो कि कार का जो लोकेशन है, कार का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लुक है, और इसमें आपको AC के साथ साथ हर तरह का जो है आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रीमियम कार के में देखा जाता है। तो ये जो है टोटल कार का लुक है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट से कुछ कार इस तरह से दिख पाएगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो है 10 लाख से ऊपर की कोई भी अगर कार होती है तो वो कार को प्रीमियम माना जाता है, और ऐसे में जो है हम जिस कार के बारे में बात करने वाले हैं वो है डस्टर। डस्टर जिसकी ओरिजिनल रेट जो है ऑन रोड प्राइस लगभग तकरीबन 14 लाख के आसपास पर पड़ जाती है। तो इस कार के लिए जो है एक बढ़िया सा मैसेज आपके लिए भी, एक सवाल भी हो सकता है आपका कि इस कार का क्या फाइनेंस सिस्टम, मतलब 6 लाख रुपए यार एक बार में प्रोवाइड करना, ये सबके पॉकेट के बात तो होता नहीं है।
तो ये 6 लाख यानी कि एक वैगनर की कीमत में प्राइस में आप अगर डस्टर आप घर पे ले जा रहे हो तो इससे अच्छी जो है समझदारी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो लेकिन बात ये हो जाती है कि 6 लाख रुपए एक बार में आप कैसे दे पाओगे, तो इसके लिए जो है बड़ा ही अच्छा सा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। क्या ऑप्शन है आपको बताया जाएगा। 2013 के बाद की कोई भी गाड़ी, 2013 के बाद की कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हो, चाहे वो 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, 5 लाख की हो या 6.5 लाख की हो, जैसे ये गाड़ी 6.5 लाख की है, तो इस पर एक मिनिमम डाउन पेमेंट दे करके भी आप रीफाइनेंस करा के ले जा सकते हैं हमसे। इसमें क्या है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपया देना होता है, बाकी का पूरा फाइनेंस हम लोग कर देते हैं। विद इन 7 to 10 days आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है फिर फाइनेंस करा के। तो ये आपके लिए भी सुविधा होता है कि आपको बहुत कम पैसा में मिल गया और EMI सिस्टम हो गया, आपको तो मंथली देना है इसीलिए आप पे कोई हैसल रहता नहीं, आप हैसल फ्री रहते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको फाइनेंस का भी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप धनबाद की में रहते हो या फिर धनबाद से अगर बाहर रहते हो और अगर आपको सेकेंड हैंड की अगर दरकार है, मतलब आपको चाहिए होगी कार, तो आपको सीधा होगा आना, आपको आना होगा यहाँ पे रेनॉल्ट धनबाद शोरूम, जो कि हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो है हाईवे पे आप देख सकते हो गाड़ियाँ चल रही है, तो ये हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है। और रेनॉल्ट शोरूम आप गूगल पे जा करके गूगल मैप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के जो ऑनर है, बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करते हैं और आपको हर एक सुविधा जो बोलते हैं ना सुविधा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये जो है एक अच्छा ऑप्शन धनबाद के लिए हो सकता है आप सभी के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि एक कार हम ले लें बाइक के प्राइस में, तो ये बहुत ही आसानी से पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो है टोटल हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, अभी बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन हम सभी को दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो है ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि जो है कार की जो है कार के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हम दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक छोटी कार हो या बड़ी कार हो, कार एक ड्रीम होती है लोगों की, कार एक और उस ड्रीम को फुलफिल कराने के लिए हम लोग हैं। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन किन्हीं को भी खाली मन होना चाहिए कि गाड़ी मुझे चाहिए, मैं शिव तिवारी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप खाली हाथ आएंगे और गाड़ी ले करके जाएंगे यहाँ से। ये बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि हर किसी के जो है एक ड्रीम होती है एक कार हमारे घर पे भी लगी हो। छत जब रोड पे चलते हो ना यार, तो बारिश जब होती है तो छत की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।